हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं पत्ते गोभी के पत्ते से पकौड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फूल पत्ता गोभी ले लेना है, और पत्ता गोभी का जो ऊपर का मतलब परत है, पत्तियां हैं, वो सारी ख़राब जो हैं उसे हमें हटा देना है, और मुलायम वाला ही हमें सॉफ्ट मतलब वाला हमें यूज़ करना है। तो इस एक एक परत इसमें आपस में लिपटी हुई है होती हैं, तो इसे बहुत आराम से निकालिएगा एक एक जो है पत्ते। तो ये देखिए, सारे पत्ते जो गंदे वाले थे उसे हम हटा देंगे, और मुलायम वाले जो है इसे हम यूज़ करेंगे। तो सारे हमें इसी तरह से निकाल लेना, बहुत आराम से निकालिएगा। तो एक कढ़ाई में पानी जो है बॉयल होने के लिए हमने रख दिया है, और बहुत अच्छे से गर्म हो जाए जब पानी, तो इसमें एक एक पत्ता इसमें हमें डाल देना, डुबका देना बहुत अच्छे से मतलब, और अच्छे से एक उबाल इसमें आ जाए, इसमें पत्तियाँ जो है इसी में धुल जाएंगी बहुत अच्छे से, और पत्ते बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए उबलना शुरू हो गया है। तो इसे हमें एक मतलब 2 से 3 मिनट अच्छे से इसी में रहने देना है गर्म पानी में, उसके बाद इसे हमें निकाल देना है ठंडा होने के लिए। अगर इसे दोबारा भी धुलना चाहते हैं तो ठंडे पानी से इसे बिल्कुल ना धुलिएगा, गर्म पानी से ही धुलिएगा, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा पत्ता। तो ये देखिए सारे पत्ते हमने निकाल के रख लिए हैं। अब एक पैन ले लेना है, इसमें 2 चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे, तो चाहे आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें 8-10 जो है करी का पत्ता ले लिए हैं, तो इसे हम अच्छे से मतलब भून लेते हैं। इसमें एक प्याज बड़ी लिए थे, तो इसे बहुत पतले पतले पीस में हमें काट लेना है, बहुत पतला ही काटना है लंबे पीस में, और इसे हमें भून लेना है सुनहरा होने तक, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस इतना हमें भून लेना है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे, और इसे हमें भून लेना है कम से कम एक मिनट अच्छे से, इसे हमें भून लेना है 1 मिनट। और इसमें इतना भूनने के बाद इसमें हमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है, और इसे भी मतलब डाल के भी हम 1 मिनट इसे हम फिर से भून लेंगे। और इसमें उबला आलू है, तो इसे हम बहुत हाथ से बहुत अच्छे से मीज लिए थे, छोटे छोटे कर लिए थे इसे, और इसे हम भून लेते हैं कम से कम 2 मिनट, इसे हमें आलू को भून लेना है बहुत अच्छे से। और जो बहुत बड़े बड़े पीस हैं आलू, उसे हमें छोटा कर लेना है, दबा के अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम नींबू डाल देंगे, इसमें इसका जो जूस है उसे हम डाल देंगे। अगर नहीं है नींबू तो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें 1 मिनट और इसे हमें भून लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने भून के तैयार कर लिया है। अब 1 कटोरी हमने चावल का आटा लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है, तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा सा। एक हमें बाउल ले लेना है, तो दोनों चीज़ में मिक्स कर देते हैं। तो 1/4 चुटकी भर यानी कि हींग डाल देंगे, तो थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेंगे, और 1/4 चम्मच से 1/4 इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, और इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए इसे मिक्स कर लेना पहले ही। और इस अब जो है इसमें हम 1 कप पानी हम ले लिए हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम डालेंगे। तो ये देखिए हमें बहुत हल्के हाथ से इसे हमें फेंट लेना है। तो ये देखिए हमने 1 कप डाल दिया है, 2 कप जो है हम इसमें पानी डाल रहे हैं, तो इसमें लगभग 2 कप पानी इसमें लग जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, और ये देखिए जो है बैटर जो है तैयार हो गया है, स्टफिंग जो है वो ठंडा हो गया है बहुत अच्छे से। और ये देखिए अब ये जो है, चाहे नींबू के साइज़ का बना लें या लंबे पीस में कोई भी आकार दे सकते हैं। तो ये देखिए बनके हमने बना लिया है, बनके तैयार हो गया है। अब चलिए पत्ता गोभी का जो पत्ता है उसे हम ले लेते हैं। तो ये देखिए पत्ता गोभी बहुत मुलायम हो गया है, इसका जो पीछे का मतलब जो नसें होती हैं ना मोटी सी, उसे हमने चाकू से निकाल दिया है, तो आप ज़रूर निकाल दीजिएगा। और ये देखिए अब जो है इसे हम स्टफिंग कर लेते हैं। देखिए पहले आगे का जो हिस्सा है उसे हमने फोल्ड किया साइड से, फिर बीच से इसे जो है हमने पैक कर दिया। तो चलिए दूसरा भी मतलब बता देते हैं। और इसे देखिए ये तो रेडी हो गया है, और दूसरा पहले हम इसमें डालेंगे ये स्टफिंग, और आगे से फोल्ड करेंगे फिर साइड से, और इसे हम बीच में जो है इसे ला के अंदर की तरफ इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमें सारे जो है बना लेने हैं, स्टफिंग कर लेने हैं पत्ते में। तो ये देखिए सारे इसी तरह से हमने बना लिया, सारा पैक कर लिया बहुत अच्छे से, और ये देखिए बैटर जो है वो रेडी है एकदम। तो अब इसमें जो हम बनाए हैं पकौड़े,
एक एक इसमें हम डुबका के इसमें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर हम जो है डाल दे रहे हैं बैटर, और अच्छे से इसे हम डुबका देंगे। तो चम्मच की मदद से इसे हम निकालेंगे। तो तेल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिए हैं, तो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जब भी डालेंगे इसमें तो आँच को एकदम मीडियम पे ही रखिएगा। अब इसमें एक एक करके हम डालते जाएंगे सारे, सारा एक बार में जो है जो पकौड़े हैं वो ना डालिएगा, जितना डालना होगा उतना ही बैटर में डालिएगा। तो एक एक करके हम डालेंगे इसमें, चम्मच की मदद से डाल देंगे। तो ये देखिए सारा इसी तरह से हमें डाल के और इसे हमें जो है फ्राई कर लेना है। तो फ्राई जो है हमें मीडियम टू लो ही करना है। तो इसे हमें जो है एक तरफ थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए जब हल्का सा, तब इसके बाद जो है इसे पलटे, तो इसे अलट पलट के बहुत अच्छे से इसे क्रिस्पी कर लेना है। तो ये देखिए हाई पे अगर करेंगे ना तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, तो बहुत ही स्लो आंच पे इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। तो आप चाहे इसे हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए शाम के चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं।